भगवान श्री रामचंद्र की सेना और राक्षसों की सेनाओं के साथ कुंभकर्ण अपनी अधूरी नींद से उठे थे। वो अपनी अधूरी नींद में गलत गलत विचार लेते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी को के साथ वध करने का ऐलान करते हैं। आज उनकी कमान उनका सुना थोड़ा कुम कर्म संभालेगा। जरा सामने आ, तेरी प्यास अभी बुझाता हूँ। किस करतूत पर तू इतना करता है? आ सामने आ, बताता हूँ तुझे अभी। जय श्री राम। बढ़ बढ़कर बातें बनाता है, देख तेरा काल मेरे सामने आता है। इतना जीवों का खून बहाकर अपने आप को क्यों छुपाता है? जरा सामने आ। मेरे मन में बहुत मुद्दत से अभिलाषा थी, शुक्र है आज तेरा बल जांचने का अवसर मिला। कल के आंसुओं की नमी तो अभी तक तेरी
तेरी आंखों में मौजूद है। अब तू अपने प्राण बचा, समझ जा मेरा वो भी आता है। देख खाली जाता है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। जय श्री राम। भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा राक्षस असुरों और लंका के सभी राक्षसों का अंत करना सामने आती है। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। तूने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था जिसका फल भोगने के लिए इस संसार में जन्म लिया था? ना जाने जन्मांतों के पापों का इसी जन्म में ही बल्कि किस जन्म में हिसाब होगा? हेलो हेलो, जब तक जीवित हूँ मेरा पाप और भी बढ़ रहा है, क्योंकि उस गोल युग में लाखों जीवों का रक्त मेरी गर्दन पर चल रहा है। प्राणनाथ, आप लंका से अपना घेरा उठा लो और मेरे लिए अपना तथा लक्ष्मण का जीवन जोखिम में ना डालो। कृपा करके आप अयोध्या लौट जाओ और इस प्रकार जीवों का लहू मेरी गर्दन पर ना चढ़ाओ। कोई दिन अगर जिंदगानी और है, मैंने अपने दिल में ठानी है, और तो मुझे हर प्रकार से संतोष रहेगा, किंतु इतना जरूर अफसोस रहेगा कि अंतिम काल में आपके दर्शन से वंचित रहूंगी। रामनाथ,
प्राणनाथ सीता मुझे बड़ा खेद है, तुम अभी तक वही पागलों वाली बातें कर रही हो। क्या यह बहन का भूत अभी तक तेरे सर पर सवार है? ओ दुष्ट, तू मुझे क्या कहता है? रावण, मैं सच कहती हूँ, मुझे जान से भी मार डाले, परंतु मैंने आज तक सिवाय अपने पति के दूसरे मनुष्य के आगे हाथ नहीं जोड़े, किंतु मैं विवश होकर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ती हूँ और तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तलवार मुझ पर चला दो और मुझे सदा के लिए सुख की नींद सुला दो। प्यारी सीता, जरा अपने आप को संभाल और इन उठपटांग विचारों को अपने दिल से निकाल। मैं तुझे कुछ शुभ समाचार सुनाने आया हूं। मुझे तेरी शुभ समाचारों की जरूरत नहीं है, कृपा करके यहाँ से किनारा करो। ओ जालिम, कभी तो मुंह से अच्छी बातें बोल। अरे निर्लज, तू अभी यहाँ से मुंह काला कर। मैंने तेरे लिए इस कल्पिक सहारे को निपटारा कर दिया है। सारा परिवार तो मर चुका, अब आजकल तेरा भी नजर आने वाला है। तू झूठ मानती है। मैं तो क्या, तेरी धूर्तता को तो सारी दुनिया जानती है। अरे नादान, ये देख, जरा आंखें खोल। नादान, इनको पहचान, हो गया तेरा इत्मीनान। क्या सोचा था और क्या हो गया? त्रिजटा विक्टा, जरा इधर आओ। हाय हाय, मैं मर गई। सीता तो संसार से कूच कर गई। मेरे ख्याल में ये मरी नहीं, केवल इन सरों को देखकर बेहोश हो गई। मरने में रखा ही क्या था, ना जाने कहां सांस अटक रही है। आखिर इसको मरना ही था तो मैं इसके साथ कब से सर पटक रहा था।
सीता उठो बेटी, उठो सीता, होश में आओ, संकट टल गया है। तुमको सताने वाला रावण चला गया है। आह विधाता, मेरे प्राण अब क्यों नहीं निकलते? पापी काल, तू क्यों नहीं आता? सुख गया, वैभव गया, जान की इच्छा भी गई, रह गया अब क्या मेरा? मिलने की आशा भी गई। सीता बावली ना बनी, रावण के झपट में आके मेरा ही प्राण खो रही है। भला भगवान को संसार में मारने वाला कौन है? मन तो मेरा भी नहीं कहता है, परंतु शेष उन्हीं के ही थे। दैत्य जो ऐसी ही वस्तुएं बना देता है, ये लंका का प्रसिद्ध कलाकार है। तुम चिंता ना करो और ऐसी ना मरो। हाँ माता जी, अब मुझे तुम्हारे कहने पर जो कृपया शांत रहे, आपकी आवाज बहुत अंदर आ रही है, शांत। चलो अब हम दूसरी जगह बैठते हैं। अरे मूर, पिछली मार को तू इतने जल्दी भूल गया? अरे बेईमान, वहां कौन सी लड़ाई थी जिसे जीतकर तू वापस चला गया? तैयार हो जाओ।
जब से वो युद्ध में गए हैं तब से मेरी तबीयत खुद घबरा रही है। तुम व्यर्थ अपने मन को चिंतित कर रही हो। भला हमारे युवराज से युद्ध करने की किसकी मजाल है? यह तुम्हारी गलती है। किसी की सलाह एक समान नहीं चलती। आज कोई कारण अवश्य है। बच्चों शांत रहे। आप बताओ। आए हाय, मेरी किस्मत फट गई। वीर वाला, ये वो कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हारे पति साधारण योद्धा है? यह तो ठीक है, परंतु यह भुजा अवश्य उनकी है। नहीं, ऐसा संभव नहीं है। अच्छा, अगर तुम ऐसा ही समझते हो तो तुम्हारा संदेह भी मिटाती हूँ। लिख दे ये भुजा, यदि स्वामी की भुजा है और स्वामी को मैंने अपना देवता समझा है तो सारा वृतांत
तो माने वाणी का नाम साफ साफ लिख दे। ओह ओ वीर लखन के हाथ से सुरपुर हुआ निवास, प्राण तेरे स्वर्ग में बुझा तुम्हारे पास। लुट गई बर्बाद हो गई, हे स्वामी आप धैर्य रखें, आप मुझे माता जी से आज्ञा लेने दे और वो प्रसन्नता से हुक्म दे या अप्रसन्नता से, किंतु अब मैं आपके साथ जाऊंगी और आपके शीश को अवश्य राम से लाऊंगी। शोक मेरे समस्त बहादुर संतार सिपाही बेटे पोते, जिनको न केवल मैं ही बलवान भाई मेघनाथ जैसे बेटे मुझको वियोग का दर्द देकर मृत्यु पर जा लेते, लंका के गली कूचों महलों बाजारों में जहां तक दृष्टि जाती है रोने पिटने और चिल्लाने की आवाज आती है। इस प्रकार नाश तथा हानि होने का यदि युद्ध का परिणाम मेरे लिए अच्छा होता तो भी मैं अपने शूर वीरों और हितेशियों को ना रोता, परंतु यहां पे यही हुआ कि ना खुदा ही मिला ना मिसाले सनम ना इधर के रहे ना उधर के, वास्तव में मैं इस दुष्ट सीता को मनुष्य मानता हूं। शुभकरण इसके जहां भी जाए अग्नि के बादल वहां पर सहेंगे, जब तक पिता के घर में रही उस बेचारे को सौ सौ चिंताओं में डाला, विवाह हुआ तो पति को घर से निकाला, ससुर को
इस दुष्ट ने खाया। देवर को इतनी मुसीबत में फंसाया। यहां आई तो लंका की ईंट से ईंट बजाई। मेरी दरबारी में कुछ भी कसर ही नहीं रही। यदि आप नाराज ना हो तो कुछ मैं बोलूं। नहीं, नाराज होने की कौन सी बात है। मैं तुम्हारी सम्मति से अवश्य लाभ उठाऊंगा। रामनाथ, यदि आप सीता को राम के पास छोड़ आए तो जो कुछ बचा है उसी को गले मत मानो। कहना मेरा कर्तव्य था, आगे आप माने या ना माने। इस कहने से तो अच्छा था तू कुछ ना कहती। शोक की तुम भी कुछ धैर्य देने के स्थान पर उल्टा मेरे घाव पर नमक डाल रही हो। सच है बिगड़ी मती कौन, पर मैं कौन। मेरी स्त्री भी मुझ पर मिथ्या दोष लगा रही है और शत्रुओं को सत्यवादी बता रही है। हाय, मेरे भाग्य का दीपक बुझ गया। आपका पुत्र मुझे दोनों जहां में खो गया। अब आप इतनी कृपा कीजिए जिस प्रकार हो सके मेरे स्वामी का सिर मंगवा दीजिए। ऐसा ना हो कि मेरा साथी दूर निकला जाए और उसकी दासी उनको मिल भी ना पाए। बेटी, मैं तुझे धैर्य दूं कि अपने दुखी मन को समझाऊं। जरा मेरी ओर तो देखो, किस कदर गांव दिल पर लगा बैठे हो। बेटी, अपनी हट को छोड़ो और जो कुछ विपदा पड़े उसे धैर्य और साहस के साथ लड़ो। आपकी कृपा तथा मेहरबानी की मशकूर हो, लेकिन आपकी आज्ञा मानने से मैं मजबूर हूँ। मगर मैं अपने विचारों को कभी नहीं बदल सकती। जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ
उससे इतना भी चल नहीं सकती। महाराज सलोचना बड़ी देर से रो रही है, अब मेघनाथ का सिर मंगवाने के लिए कठी हो रही है। उसका सिर मंगवाकर क्या करोगे? क्या करेगी, उसके साथ चल मरेगी। पहले तो इसका ये विचार वाहियात है, दूसरा इस समय सिर का मिलना कोई साधारण बात है। मेघनाथ का सिर आसानी से थोड़ी देंगे। पिताजी आप इस विषय में बिल्कुल चिंता ना करें, केवल मुझे आज्ञा दे दीजिए। कैसी आज्ञा? मैं उनके पास स्वयं जाऊंगी और अपने पति का सिर ले आऊंगी। तो यूं क्यों नहीं कहती, स्वयं जाकर शत्रु के बंधन में कैद हो जाओगी। यह केवल आपका भ्रम है, रामचंद्र से आपसे हजार शत्रु का क्यों ना हो, किंतु वो सदाचारी और धर्म की मूरत है। यहाँ तेरी सरासर भूल है और इस समय विशेष हट करना फिजूल है। पिताजी आप केवल आज्ञा दीजिए, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मेरा मगज क्यों चाटती हो, जो मन में आए कर और मेरी आंखों से दूर हो जा। विभीषण जी, रावण जी कितना हठ धर्मी है, इतने विनाश के बाद भी अपना हठ नहीं छोड़ता। बंधु और पुत्र की मृत्यु होने के बाद भी संग्राम से मुंह नहीं मोड़ता। हाँ महाराज, वो सदैव ही ऐसा ही अहंकारी है। महाराज की जय हो। रावण की पुत्र वधु उपस्थित होना चाहती है। रावण के पुत्र वधु, अच्छा जाओ और उन्हें आदर सहित यहाँ लेकर आओ। जैसी आगे प्रभु। कहो देवी, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? हे भक्त हितकारी, आपकी जय हो। कहो देवी, आपका यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? महाराज, पति देव की भुजा ने मुझे अपनी मृत्यु का समाचार लिख कर बताया है और मेरा सारा संदेह
मिटा दिया है। अब मैं सती होना चाहती हूँ और स्वामी का सिर लेने आपके शरण में आई हूँ। केवल इतनी सी बात है तो आपको वृथा ही कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। आप वहीं से किसी के हाथ कहलवा भेजती तो आपके पति का शीश आपके पास पहुंच जाता। मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास था कि यदि मैं वहीं से कहलाव भेजती तो मेरे पति का सिर मेरे पास था, परंतु मैं यहाँ इसलिए आना चाहती थी कि अपने पति के वध करने वाले के दर्शन पाना चाहती थी। लक्ष्मण जी, इनके पति का शीश इनको लाकर दे दो और इन्हें अपनी सूरत भी दिखा दो। क्षमा के योग्य और मैं अपराध हूँ। लक्ष्मण, सचमुच तू जती है। मेरे पति को जीतना तेरा ही काम था। देवी, निसंदेह तू सती है, किंतु शोक की तेरे जीवन का यही परिणाम था। अच्छा प्रभु, अब आज्ञा दीजिए, कृपा करके आज का युद्ध बंद करने की घोषणा कर दीजिए। बहुत अच्छा देवी, ऐसा ही होगा। अच्छा प्रभु, प्रणाम। बोल सियावर राम चंद्र।